बाबूजी, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस मन के न मिलने पर तूने ये फैसला किया है, हो सकता है वो मन किसी परेशानी में हो और चाचा भी तुझ तक न पहुंच पा रहा हो, शायद वो लौट आए। लेकिन देखो, अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हारी पूरी दास्तान सिलसिलेवार ढंग से सुनना चाहती हूँ। अब कुंती कहाँ जाती है और कहाँ नहीं, ये मुझे क्या मालूम। आज के बाद उसका इस आश्रम से बाहर निकलना बंद करवा दूंगी। कौन छीनेगा मुझसे मेरा बच्चा, उसे जिसके लिए मैंने घर परिवार का अपमान सहा। इस वक्त कहाँ से आ रही हो सरला दीदी? मैं वो जानती हूँ। इस वक्त कितने बजे हैं? सलामुलेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। ये दिन दिन पर आजकल गायब कहाँ रहती हैं आप? कहीं वो अपना सोशल वर्क फिर से शुरू कर दिया क्या? ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन आप जाती कहाँ हैं? कुंती के साथ उसकी जिंदगी की दास्तान सुनने। बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुए हैं। लेकिन उस पर हुए जुल्मों को लेकर मेरे खिलाफ बगावत तो नहीं करने वाली है? मौका आया तो पीछे नहीं हटेंगे। प्लीज आप उसके लिए कुछ करिए ना। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बच्चा तो स्वीडन पहुंच गया है और फिर उन लोगों ने बाकायदा लीगल प्रोसेस से उसे अडॉप्ट किया है। अब हम गवर्नमेंट से कहकर उन्हें चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं? तो क्या कुंती को उसका बच्चा कभी नहीं मिलेगा? ऐसे तो बेचारी वो मर जाएगी। मैं आपकी हमदर्दी को समझता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता हूँ। वैसे तो कुंती को खुश होना चाहिए कि उसका बेटा स्वीडन पहुंच गया है और वहां पर उसको अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश मिलेगी। आप भी कमाल करते हैं। अगर कुंती की जगह हमारा बच्चा होता और उसके साथ भी यही होता तो आप खुश हो रहे होते? मैं अपनी नहीं कुंती की बात कर रहा हूँ। कुंती के जैसे हालात हैं, ऐसे में वो क्या उसे एक दिन भी उसकी परवरिश कर पाती? जी नहीं, एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, सही कहा आपने, माँ। लेकिन माँ और कुंवारी माँ में बहुत फर्क होता है और आप इस फर्क को मिटाने की अपनी नाकाम कोशिश को छोड़ दीजिए। वैसे ये मशवरा है मेरा, बाकी आपकी मर्जी। हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुसाए तुम्हें? तुम मेरे लिए मर चुके हैं आप। सुना सुना, मर चुके हैं तो मेरे लिए आप। बाबूजी, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कुंती नहीं, पुष्पा हूँ, मन की पत्नी, आपकी आपकी बहू। सॉरी, मुझे माफ कर देना। पल भर के लिए मुझे लगा वो मेरे सामने आगे खड़ी हो गई है। बाबूजी, जो आपके लिए मर चुका है उसके लिए आपके दिल में इतनी नफरत क्यों? नफरत है, बस है, और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। छोड़िए ना बाबूजी, अब हम लोग इस घर में हैं। हम आपका ख्याल रखते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। ऐसे में आपको उसकी याद नहीं आनी चाहिए। उसने चोट दिया मुझे पुष्पा, बहुत गहरी चोट, वो जख्म कभी नहीं भरेगा। बाबूजी, तो क्या आप हम लोगों का ख्याल रखना छोड़ देंगे? नहीं पुष्पा, ऐसे कैसे हो सकता है।
तुम लोगों के इस घर में आने से ये घर खुशियों से भर गया है। बाबूजी, मैं खुश नहीं हूँ। तुझे क्या तकलीफ है? बाबूजी, आपने मुझे इस घर में बहू का स्थान दिया है, लेकिन आपकी इस बहू को बाहर कहीं आने जाने में शर्म महसूस होती है। देखिए ना, मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, कहने भी नहीं है। अब ऐसे में अगर मैं कहीं बाहर आऊंगी जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर की बहू होकर भी। ठीक है, समझ गया। सुबह तुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर तू मन माफी खरीदारी कर ले। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं। खुश रहो। एक बात याद रखना पुष्पा, पैसे को इज्जत कभी मत देना। पैसा तो आता है जाता है, लेकिन हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। जी बाबूजी, बड़े नसीब से हमारा ये रिश्ता जुड़ा है। बाबूजी, सुबह तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? कम से कम अपनी बीती जिंदगी के बारे में सुनाकर मेरा दिल तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो क्या तूने इस तरह से सबको अपना दुखड़ा सुनाने की तैयारी कर ली है? अरे कुंती, किस किस को सुनाएगी और कब तक? जब तक मेरी सुनवाई नहीं हो जाती, मैं सारी दुनिया को अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। आखिर कोई तो मेरी मदद करेगा ना? मुझे नहीं लगता कोई तेरी मदद कर पाएगा। पता नहीं, बस प्रभा, एक बार मुझे मेरे बेटे का पता मिल जाए, एक बार मैं उसके पास पहुंचूं, फिर मुझे इस दुनिया में किसी की मदद की जरूरत नहीं। तेरे बेटे का पता सिर्फ सरला दीदी के पास है और वो तुम्हें कभी नहीं देगी। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा प्रभा, कि अगर एक माँ अपने बेटे से मिल जाएगी तो उसमें सरला दीदी का क्या नुकसान हो जाएगा? तुम्हारे लिए वो अपने आश्रम के नियम नहीं तोड़ सकती। आश्रम के नियम इतने बड़े हो गए कि किसी को मेरे आंसू मेरी मिन्नतें दिखाई नहीं देती। एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है, क्या किसी को मेरी बेबसी दिखाई नहीं देती है? कुंती, तू बुरा मत मान, लेकिन एक बात कहूं। कुंती, क्या तू ये मान के नहीं चल सकती कि तूने कभी किसी बेटे को जन्म ही नहीं दिया? प्रभा, मैं इतने बड़े सच को कैसे झुठला दूं? मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने बेटे को पाने की कोशिश करूंगी। मां की ममता को रौंदकर जिन्होंने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मन मुझे इस तरह धोखा देके भाग जाएगा। मैंने उस पर इतना भरोसा किया। एक्चुअली उसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, लेकिन ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुंती, तुम्हारे बाबूजी जब उन्हें पता चला कि तुम घर छोड़ के जा चुकी हो, तो उन्होंने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की? बाबूजी को जब पता चला कि मैं आश्रम में हूँ, तो उन्होंने एक दिन सरला दीदी को फोन किया और बहुत भला बुरा कहा। अचानक वो आश्रम में आ गए। उस दिन स्वामी हरिराज जी भी आए हुए थे। आज मुझे अच्छी तरह याद है आपका व्रत नहीं है, इसलिए आपके लिए कुछ फल मंगा के रखे। देवी, मेरे लिए इस तरह के प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं मांग लूंगा। आप तो मुझसे सब कुछ दिखाते हैं, क्या मैं अपनी इच्छा से आपकी खातिरदारी नहीं कर सकती?
अभी भी आपने अपना मोह नहीं त्यागा है देवी। अपने इस मोह माया से बाहर आइए, इसी में जीवन की संतुष्टि है। तो मुझे भी मंत्र देकर सन्यासिन बना लीजिए। उपहास देवी, उपहास। यदि आपकी अभिलाषा तीव्रता की परिकाष्ठा तक पहुंच जाए तो स्वयं ईश्वर से एकाकार होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। भला इसके लिए सन्यासिनी बनने की क्या आवश्यकता है? कभी कभी आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच बहुत फासला आ गया है। मार्ग तो विपरीत हो गए हैं देवी। पता नहीं इस जिंदगी में आपको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है। देवी, जिस व्यक्ति ने अध्यात्म का फल चखा नहीं भला उसे स्वाद का पता कैसे चलेगा। देवी, अध्यात्म कोई व्यापार नहीं है, ये विश्वास का और निरंतर आत्मसमर्पण का मार्ग है। अध्यात्म का मूल आधार है प्रेम, और प्रेम कभी ना समाप्त होने वाला एक संघर्ष है। स्वामी जी आराम कर रही थी, मैंने कहा स्वामी जी आए हैं, फौरन आ गई। जब से इस आश्रम में आई है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए घर छोड़कर आई है। मिल चुका हूँ इससे मैं देवी। इस आश्रम में ऐसे सरल सहृदय और तेजस्वी लड़की का प्रवेश यह आश्रम कृतज्ञ हुआ। क्या कुंते? गजेंद्र तुम? हाँ मैं। तेरी वजह से मुझे इस गंद खाने में आना पड़ा। गजेंद्र, इतने ताव में आकर बात करने की जरूरत नहीं है, जरा ढंग से बात करो। अरे तू सिखाएगी मुझे ढंग? मैं तेरे हर ढंग से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जानती हूँ तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सीखने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। सरला दीदी तुम चुप रहो कुंती। मैं इस आदमी की एक एक हरकत से परिचित हूँ। मैं तुझसे अपनी जन्म कुंडली पढ़वाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आया हो? मैं तुझसे ये कहने आया हूँ कि कुंती को सहारा देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर तालाब में धकेल देता हूँ। सहारा देने की जरूरत है डॉक्टर। डॉक्टर हो तो जान बचाने की सोचो, ना कि जान लेने की। भाषा मत कर, इस कुंटा को जिन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस बात की मेरी बेटी है, इसका घर जाना चाहता है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महोदय? तो आप कौन है? इस आश्रम के दलाल? गजेंद्र! तुम्हारे में ऐसा बोलते आपको शर्म नहीं आती? हैं? क्या है स्वामी? स्वामी होकर इस गंद खाने पर आसन लगाए बैठे? क्रोध में आप अपना संयम खो बैठे हैं महोदय। अपनी जिव्या पर नियंत्रण रखना सीखे। मैं इस छली को अपने हाथों से मार डालता हूँ। महोदय, मेरी उपस्थिति में आप इसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। ले जाना तो बहुत दूर की बात है, ये अब इस आश्रम की आश्रिता है। इस कुल्टा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आप सोचते हैं? जिस प्रकार डॉक्टर की निगाह में हर रोगी एक समान होता है, उसी प्रकार आश्रम में कोई भी आश्रित सिर्फ आश्रित होता है। पाप और पुण्य का हिसाब ईश्वर करता है, हम नहीं। उसे मेरे हवाले कर दो वरना ठीक नहीं होगा। आश्रम का क्यों? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए मर चुकी है। मरे हुए आदमी का अंतिम क्रियाकर्म भी करना पड़ता है, क्यों तू किसी की बेटी के लाश में संभाल कर रखा है तूने? डॉक्टर, तुम शराब के नशे में हो, होश में आने के बाद मुझसे बात करना। देखो तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, शायद तुम इस बात का पता नहीं कि इस आश्रम में मर्द नहीं आ सकते। ये लोग कौन है? इनकी गिनती मर्दों में नहीं है क्या? जाओ शिष्य, रुक जाओ। अभद्र लोगों के साथ अशिष्टता करना मूर्खता है। बहुत बर्दाश्त कर चुकी गजेंद्र,
अपनी मरी हुई सहेली का ख्याल नहीं होता तो अब तक तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुकी होती। तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखता हूँ कितने दिन तक तू इसे आश्रम में रखती है छुपा के। धंधा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। शुभ शुभ बोलो। तुम तो बहादुर लड़की हो, इस तरह की बातें करके अपने आप को दुर्बल मत बनाओ। दीदी, दीदी।